इतिहास गवाह है, अगर आप अपने काम को पूरे पैशन से करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। बाकी सभी चीजें उसके इर्द गिर्द होती है। दुनिया और हमारे खुद के देश में भी ऐसे हजारों कहानियां मौजूद है। ऐसी ही एक कहानी है विराट कोहली की। इस नाम को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इस बंदे ने अपने मेहनत, लगन और डेडिकेशन से क्रिकेटिंग जगत और सभी के दिलों में एक खास जगह बना ली है। सक्सेस तो सबको दिखती है, लेकिन मेहनत बहुत कम लोग देख और समझ पाते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग विराट कोहली के लाइफ के बारे में जानेंगे और उससे सीखेंगे हम अपने फील्ड में कैसे बेहतर कर सकते हैं। वीडियो के आखिर में आप लोगों के लिए कोहली की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। यह आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कॉन्टेंट। विराट कोहली का जन्म 5 नवंबर 1988 को दिल्ली के उत्तम नगर में हुआ। पिता प्रेम कोहली एक क्रिमिनल लॉयर थे और माँ सरोज कोहली एक हाउसवाइफ हैं। विराट की माँ बताती हैं, जब विराट 3 साल का था तभी से वो क्रिकेट बैट से खेलता था। अपने पिता को हर वक्त अपने साथ क्रिकेट खेलने के लिए जिद करता था। बाद में विराट अपने लोकेलिटी में दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे। पड़ोसियों ने विराट की बैटिंग देखकर उनके पिता प्रेम जी से कहा, आपका लड़का इतना अच्छा क्रिकेट खेलता है, आप इसे क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवा दो। विराट ने अपनी स्कूलिंग विशाल भारती पब्लिक स्कूल से की। 9 साल की उम्र में पिता ने विराट को वेस्ट दिल्ली क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन करवा दिया। कोच राजकुमार शर्मा के अंडर उन्होंने अपने प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग शुरू की। विराट गॉड गिफ्टेड तो थे ही, बहुत ही जल्द उन्होंने क्रिकेट की बेसिक्स को सीख लिया। 2001 में दिल्ली अंडर 14 टीम में विराट का सिलेक्शन नहीं हुआ। विराट को बुरा लगा। क्लब और डिस्ट्रिक्ट लेवल में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद अगले साल दिल्ली अंडर 15 टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। 2002-03 पॉली ओमरिगा ट्रॉफी में उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। टूर्नामेंट के वो हाईएस्ट रन स्कोरर थे। अगले साल उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया गया। दिसंबर 2004 में उनका दिल्ली अंडर 17 टीम में सिलेक्शन हुआ। विजय मर्चेंट ट्रॉफी 2003-04 में विराट ने 4 मैच में 470 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 117.50, जिसमें 2 शतक शामिल थे। अगले साल उसी टूर्नामेंट में वो लीडिंग रन स्कोरर थे। टूर्नामेंट के 7 मैच में कोहली ने 757 रन बनाए जिसमें 2 सेंचुरी शामिल थे। उस साल ट्रॉफी दिल्ली की टीम जीती। 2006 में कोहली का इंडिया अंडर 19 टीम में सिलेक्शन हुआ। जुलाई 2006 में हुए इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ कोहली का बेहतरीन प्रदर्शन था। कोच लालचंद राजपूत कोहली के बैटिंग टेक्निक से बहुत इंप्रेस हुए। 18 साल की उम्र में 23 नवंबर 2006 को अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। तमिलनाडु के खिलाफ रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में वो सिर्फ 10 रन बना पाए। 19 दिसंबर 2006 को विराट के पिता की डेथ हो गई। पिता हमेशा से विराट को इंडियन टीम के लिए खेलता देखना चाहते थे। उस दिन विराट की बैटिंग थी, दिल पे पत्थर रख के वो मैदान गए। कर्नाटका के खिलाफ उस मैच में उन्होंने 90 रनों की पारी खेली। आउट होने के बाद घर आके अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। विराट की माँ कहती हैं, इस इंसिडेंट के बाद से विराट बहुत मैच्योर हो गया। 3 अप्रैल 2007 को अपना T20 डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के उस सीजन में वो दिल्ली की तरफ से लीडिंग रन स्कोरर थे। 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप में विराट इंडियन टीम के कैप्टन थे। अपनी कैप्टनशिप में उन्होंने इंडियन टीम को टाइटल जितवाया और टूर्नामेंट के 3rd हाईएस्ट स्कोरर भी थे। IPL 2008 में RCB ने कोहली को अपनी टीम में शामिल कर लिया। जून 2008 में कोहली को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस में 6 सप्ताह के ट्रेनिंग के लिए चुना गया। उसी साल इंडिया इमर्जिंग प्लेयर्स टीम में भी कोहली का सिलेक्शन हुआ। टूर्नामेंट के 6 मैच में उन्होंने 206 रन बनाए विद एन एवरेज ऑफ 41.20। हाईएस्ट स्कोर 120 रन नॉट आउट, वो भी ब्रिस्बेन में न्यूजीलैंड जैसे स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। BCCI के चीफ सेलेक्टर दिलीप वेंगा सरकार कोहली के इस नॉक से इंप्रेस हुए और उन्हें श्रीलंका टूर के लिए इंडियन टीम में शामिल कर लिया। अभी तक विराट ने सिर्फ 8 List A मैचेस खेले थे, ये सभी के लिए एक सरप्राइज था। इंडियन टीम के रेगुलर ओपनर सचिन और सहवाग इंजर्ड थे। विराट को टीम में एज एन ओपनर सेलेक्ट किया गया। 18 अगस्त 2008 को श्रीलंका के खिलाफ विराट ने अपना ODI डेब्यू किया। उस मैच में वो सिर्फ 12 रन ही बना पाए। 4th मैच में कोहली ने अपना पहला हाफ सेंचुरी मारा। 24 दिसंबर 2009 को अपना पहला ODI सेंचुरी मारा। श्रीलंका के खिलाफ 315 रन की विशाल लक्ष्य को चेस करते हुए कोहली ने गजब की विराट पारी खेली। यहां से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोहली एरा शुरू हुआ। 2011 वर्ल्ड कप में विराट पहले भारतीय बने जिन्होंने अपने वर्ल्ड कप डेब्यू पर शतक जड़ा। लेकिन जिंदगी इम्तिहान तो लेती है कि आप इस सफलता के लायक हो भी या नहीं। जून 2011 में विराट को इंडियन टेस्ट टीम के लिए कॉल आया। 20 जून 2011 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस सीरीज में विराट का बुरा परफॉर्मेंस था।
इंग्लैंड के खिलाफ अगले सीरीज से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। वनडेज में भी वो कंसिस्टेंट स्कोर नहीं कर रहे थे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें ओडीआई में विराट ने 107 रनों की पारी खेल के कमबैक किया। 28 फरवरी 2012 को कॉमनवेल्थ बैंक ट्रायंगुलर सीरीज में श्रीलंका के खिलाफ 133 रनों की धमाकेदार पारी खेली। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डीन जॉन्स ने विराट के इनिंग्स को ग्रेटेस्ट ओडीआई नॉक्स ऑफ ऑल टाइम्स कहा था। 2014 में विराट को बहुत ही बुरे फेज से गुजरना पड़ा। इंग्लैंड टूर पर विराट का बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था, लेकिन महान लोग आपदा को अवसर बनाना जानते हैं। विराट ने अपनी टेक्निक को इम्प्रूव किया, जिससे वो और बेहतर हुए। फास्ट फॉरवर्डिंग, 2014 में टेस्ट कैप्टेंसी, 2016 आईपीएल में ऑरेंज कैप, जिसमें उन्होंने 973 रन बनाए और 4 शतक भी शामिल थे। 2017 में लिमिटेड ओवर्स की कैप्टेंसी, 2021 में कोहली ने सभी फॉर्मेट की कैप्टेंसी छोड़ दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ कैप्टेंसी छोड़ी है। बैटिंग में वो आग आज भी बरकरार है। विराट के अगर रिकॉर्ड्स के बारे में बात करें तो एक मूवी भी छोटी पड़ जाएगी। हमें सिर्फ उनकी सक्सेस और ग्लैमर दिखती है, लेकिन हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। 2012 में कोहली ने अपनी फिटनेस पे काम किया, 8 महीने में 11 किलो कम किया। कुछ दिन तो वो सिर्फ उबली चने खाते थे। वो अपने लाइफ में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं। उनके बचपन के कोच राजकुमार शर्मा जी कहते हैं, विराट ने आज तक एक भी ट्रेनिंग सेशन मिस नहीं की। और तो हमें शाम में कोहली को जबरदस्ती घर भेजना पड़ता था। अब आप सोचिए क्रिकेट के लिए किस हद तक वो पैशनेट हैं। उनकी वही पैशन फील्ड पे भी दिखती है। एक ट्रू कॉम्पिटिटर को देखना है तो कोहली को देखो। ही लव्स चैलेंज, जो उन्हें बाकी क्रिकेटरों से अलग बनाता है। फेलियर्स तो आपको मिलेंगे, जैसे कोहली भी 4 ICC टूर्नामेंट्स में अपनी टीम को एक भी कप नहीं जिता पाए। IPL में भी 8 सालों में एक बार भी RCB को टाइटल नहीं जिता पाए। लेकिन ये स्पोर्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। खेल में कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, लेकिन एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम कोहली से बहुत कुछ सीख सकते हैं। टीम एफर्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, पैशन। नीचे कमेंट में बताइए आप विराट कोहली से क्या सीखते हो। अगर आप किसी चीज़ को बड़े शिद्दत से करते हो तो पैसा, नेम, फेम और भी बाकी चीज़ें आपको अपने आप मिलेगी। हमारा फोकस सिर्फ खुद को कल से बेहतर करने पे होना चाहिए, प्रोसेस को एंजॉय करने में होना चाहिए, ना कि रिजल्ट्स और उसके बाद के बाय प्रोडक्ट्स पर। यंग लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट।